all of you, welcome to another lecture of the equality series. Now we have done with the fundamental rights, DPSP, unions, the union and territories, citizenship, article 51A तक हमने कर लिया है. Now कई बार क्या होता है कि लोग union executive and state executive पढ़ाते हैं, लेकिन हम जो है क्योंकि हम लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ाएंगे. देखो सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया में जो है बड़े पिक्यूलर टाइप के से जो है सेंट्रल स्टेट जो उनका रिलेशन है उसे बैलेंस किया गया है. ठीक है, उसको जो है बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया है और सीखना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि कैसे उसको बैलेंस किया जा रहा है, कहाँ पे सेंटर के पास पावर है, कहाँ पर स्टेट के पास पावर है, कब सेंटर स्टेट को ओवर पावर कर सकता है. ठीक है, तो किस देखो हम एक क्वाजी फेडरल कंट्री है. क्वाजी फेडरल का मतलब हुआ कि हम प्योरली फेडरल नहीं है. प्योरली फेडरल का मतलब कि स्टेट और सेंटर का आपस में टोटल बाइफर्केशन नहीं है इंडिया में. ठीक है, कई जगह चीजें ओवरलैप भी होती हैं, कई जगह लॉस कॉन्फ्लिक्ट में भी आते हैं और उसी को सुलझाने के लिए या उसी को सही करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन डाले गए हैं. ठीक है, उसके बाद फ्रॉम टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स की जाती हैं एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम नए लॉज दिए जाते हैं, फिर उन लॉज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट एक नया या आप कह सकते हैं एक नया आयाम या एक नया डायमेंशन लेके आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन में. तो सेंट्रल स्टेट जो रिलेशंस हैं दे आर एवर चेंजिंग, दे आर वेरी डायनेमिक इन नेचर, दे आर नॉट स्टैटिक इन नेचर कि हाँ आज हमने कुछ संविधान में लिख दिया वो फिक्स हो गया. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो चेंज होता है. ठीक है, दे आर एवर चेंजिंग. सो अगर स्टार्ट करें हम तो पार्ट 11 में बेसिकली डील किया गया है, तीन मेजर हेड्स में डिवाइड किया जाता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन को. ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को तीन हेड्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, और वो हेड्स क्या क्या हैं? फाइनेंशियल रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड लेजिस्लेटिव रिलेशन. वेरी सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर जो है साफ नहीं आ पाई. ठीक है, बट देन आपको ये समझा देते हैं, तीन हेड्स में डिवाइड किया जाता है. किस किस में? लेजिस्लेटिव की लॉ मेकिंग, की लॉ कैसे कैसे बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव की जो रेगुलर मशीनरी है डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन होना है स्टेट का या कंट्री का वो कैसे होगा. ठीक है, और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका? फाइनेंशियल, कि भाई पैसे कैसे डिवाइड होंगे, मनी भाई को कैसे डिवाइड किया जाएगा. ठीक है, तो अगर मैं और इनको डिवाइड करूं तो लेजिस्लेटिव रिलेशन में हम लोग टेरिटोरियल एक्सटेंड पढ़ेंगे. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन पढ़ेंगे, सेंट्रल कंट्रोल ओवर लेजिस्लेशन पढ़ेंगे, ये चार चीजें पढ़ेंगे. एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में हम लोग पांच चीजें पढ़ेंगे. पहली है सेंट्रल डायरेक्शन टू द स्टेट, कॉपरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ऑल इंडिया सर्विसेज, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम एंड रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी. ये सब तो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. अगले लेक्चर में हम लोग फाइनेंशियल रिलेशंस पढ़ेंगे. फाइनेंशियल रिलेशन में हम लोग एलोकेशन ऑफ टैक्स पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू ग्रांटेड इन एड टू द स्टेट्स एंड इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी, ये सब पढ़ेंगे, ये सब देखेंगे आने वाले जो लेक्चर है दो में. तो इसको हम आज हम जो पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव दैट इज लॉ मेकिंग, आप जो है लॉ कैसे बनाएंगे, और सेकंड क्या एडमिनिस्ट्रेटिव जो डे टू डे रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन है वो देश का कैसे चलेगा, कैसे किसके पास क्या पावर है, तो वो सब हम ये दोनों चीज हम आज यहाँ पर देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं किससे? स्टार्ट करते हैं आपके लेजिस्लेटिव रिलेशन से. भाई लेजिस्लेटिव रिलेशन में क्या है? आर्टिकल 245 से 255. ठीक है, आर्टिकल 245 से 255 और पार्ट कौन सा है? पार्ट 11 है. पार्ट कौन सा है? पार्ट 11 है. ठीक है, और तो इसको हम चार अभी एस्पेक्ट जो है आप चेंज कर सकते हैं. ये कोई हार्ड एंड फास्ट या वाटर टाइट बॉटल नेक्ड क्लासिफिकेशन नहीं है, जस्ट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये आपको समझाया जा रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है. तो चार हेड कौन से देख लेंगे कि टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट रजिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड एंड सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन. अब ये है क्या क्या? बड़ा बवाल हो गया, बड़ी भयंकर भयंकर चार बातें बोल दी गई, कुछ नहीं है. एक एक करके इसको समझ लेते हैं. तो एक एक करके समझ लेते हैं. तो बिगिन करते हैं किससे? टेरिटोरियल एक्सटेंट से. टेरिटोरियल एक्सटेंट से भाई, टेरिटोरियल एक्सटेंट में क्या होगा? आप देख सकते हैं कि टेरिटरी, ठीक है, अगर ये अगर मैं पूरा इंडिया मान लूं तो इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं. ठीक है, देखिए इंडिया का मैप मैं अच्छा नहीं बना पाता हूं तो इसलिए मैं आपको बॉक्स रेक्टेंगुलर शेप से दिखा समझा रहा हूं. ठीक है, मान ले ये पूरा इंडिया है और ये वेरियस स्टेट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल. ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये इंडिया है. ठीक है, तो
टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या बोलता है सेंट्रल स्टेट रजिस्ट्रेशन का, कि जो सेंटर जो है, जो सेंट्रल लॉ बनाएगा, सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार या पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो पूरे देश में लागू होंगे, वो इस पूरे में लागू होंगे, वो इस पूरे में लागू होंगे, ठीक है, वो पूरे देश में लागू होंगे। और जो स्टेट बनाएगा वो सिर्फ उस स्टेट में लागू होंगे, सिर्फ उस स्टेट में लागू होंगे, ठीक है, समझ गए आप। मान लिया आपने उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया तो वो सिर्फ उत्तराखंड में लागू होगा, ऐसा नहीं कि वो यूपी में भी लागू हो गया। एक एक्सेप्शन है कि अगर ऐसा पाया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है और स्टेट के बीच में अगर सफिशियंट नेक्सेस है, ठीक है, सफिशियंट नेक्सेस है, तो जो है आप पे स्टेट का लॉ लग सकेगा। मान लिया कल को एक स्टेट लॉ निकालता है कि उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं वो कल से शराब का सेवन नहीं करेंगे, वो कल से शराब का सेवन नहीं करेंगे, एक ये लॉ निकालते हैं, जितने भी उत्तराखंड के डोमिसाइल सिटीजन है, जिस जिसके पास डोमिसाइल है वो शराब का सेवन नहीं करेगा, ठीक है। अब आप गए बिहार में, चलो बिहार में तो नहीं मिलती है, आप गए यूपी, आप गए यूपी में सहारनपुर, देहरादून में रहते थे आप, आप सहारनपुर में गए, आपने वहां दो पैक लगा लिए, तो हो सकता है कि यूपी पुलिस आपको अरेस्ट कर ले कि भैया आपके स्टेट में ये कानून है, आप एक उत्तराखंड के डोमिसाइल्ड व्यक्ति हैं, तो आपको जो है उस पर्टिकुलर स्टेट के लॉ के अंडर हम अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट और स्टेट में सफिशियंट नेक्सेस है तब तो वो अपने स्टेट की बाउंड्री भी क्रॉस कर देगा, बट देन जो लार्जर पार्ट है वो सिर्फ स्टेट के लॉ स्टेट में ही होंगे और सेंट्रल के लॉ सेंट्रल में लगेंगे, ठीक है। ये है बात किसकी, टेरिटोरियल उसकी। अब इंडिया में भी, इंडिया का कोई सिटीजन था, एक इंडिया का एक सिटीजन था मुंगेरी लाल, मुंगेरी लाल दुबई में रहता था, लेकिन वो सिटीजन कहां का है, इंडिया का है। मुंगेरी लाल ने पता लगा कुछ कांड कर दिया और वो भाग गया, तो तब जो है मुंगेरी लाल की जो प्रॉपर्टी है दुबई में, तो हो सकता है कि वहां पे भी उसको अटैच किया जा सके या उसको सरकार ले ले और उससे जो है उसको जो हमारे डोमेस्टिक लॉज है उसके अंदर प्रोसिक्यूट किया जाए, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है कि जब आप जो है अपनी बाउंड्री को तोड़ दे रहे हैं, वह तो इंडियन जो सेंट्रल लॉ बनाया वो इंडिया में लगेगा, स्टेट का जो लॉ है वो स्टेट में लगेगा, बट देन स्टेट का लॉ अगर ऑब्जेक्ट और स्टेट के बीच में सफिशियंट नेक्सेस है तो वो स्टेट की बाउंड्री को तोड़ देगा, ठीक है। अगर जो है इंडिया का कोई सिटीजन बाहर रहता है तब भी जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया माना जाएगा, उसकी उसकी प्रॉपर्टी को इंडिया की ही टेरिटरी माना जाएगा, ठीक है। बट इस टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पे भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं भाई। पार्लियामेंट की पावर ये नहीं कि यथा है, ठीक है, यही तो ब्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि अथा कुछ नहीं है, हर चीज पे लिमिटेशन लगाई गई है। तो लिमिटेशन क्या लगा दी, लिमिटेशन भैया तीन लिमिटेशन लगा दी, ठीक है। उन्होंने कहा कि पहले पांच, अब तो खैर जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं कौन कौन सी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अब दादर और नागर हवेली और दमन दीव एक ही हो गई है, ठीक है, और लद्दाख, ठीक है, इनके लिए जो है प्रेसिडेंट जो है अलग से लॉ, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कोई भी पार्लियामेंट का लॉ इन पे डिसाइड लगेगा या नहीं लगेगा। बट देन देखो प्रेसिडेंट क्या है, अनसेट सी थिंग है, अनसेट सी चीज है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि प्रेसिडेंट मींस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कोई भी लॉ किसकी मर्जी से आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मर्जी से आएगा, तो रेयरली होता है। बट देन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, लद्दाख और दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर, ये एक ही यूनियन टेरिटरी होगी। तो पांच की जगह भी है चार यूनियन टेरिटरी के लिए जो है प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं कि इस पे ये लॉ लगेगा या नहीं लगेगा। कौन डिसाइड करेगा भैया इस केस में, प्रेसिडेंट, ठीक है, ये एक केस हो गया। दूसरा केस हो गया फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल का, फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल का। भाई सिक्स्थ शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं पहले ये देख लेते हैं,
ठीक है, तो याद रखेंगे आप टैम से, किससे याद रखेंगे टैम से, तो टैम से कौन कौन से हो गए, त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मेघालय, ठीक है। ये चार स्टेट्स इसमें सिक्स शेड्यूल में, जिसको हम क्या बोलते हैं शेड्यूल स्टेट्स या ट्राइबल एरियाज भी बोलते हैं, इसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ शेड्यूल की बात करें तो इसमें वेरियस शेड्यूल एरियाज हैं, वेरियस शेड्यूल्ड एरियाज हैं, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, वेरियस शेड्यूल एरियाज हैं। तो इन शेड्यूल में कोई भी पार्लियामेंट का लॉ लगेगा या नहीं लगेगा, तो उस स्टेट के गवर्नर को पावर है कि वो डिसाइड कर सकेगा कि लगेगा या नहीं लगेगा लॉ, और लगेगा तो क्या मॉडिफिकेशन के बाद लगेगा। तो एब्सोल्यूट पावर पार्लियामेंट खत्म हो गई, पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो शराब नहीं पिएंगे, ठीक है। वहां के गवर्नर को, जो स्टेट के गवर्नर को पावर है कि भैया 250 ml पी सकते हैं, ठीक है। तो लॉ कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा कौन डिसाइड करेगा फिफ्थ शेड्यूल में, गवर्नर, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर, मॉडिफाई किया जा सकता है लॉ, मॉडिफाई किया जा सकता है लॉ, ठीक है। यही चीज इन चार जो ट्राइबल एरियाज हैं या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन स्टेट्स के, ठीक है। ये तो शेड्यूल एरियाज हो गए, फिफ्थ शेड्यूल में जो होते हैं वो शेड्यूल एरियाज होते हैं, और सिक्स शेड्यूल में क्या होते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो इन चार स्टेट्स के अंदर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें कोई लॉ लगेगा या नहीं लगेगा, या लगेगा तो कैसे लगेगा, तो सिर्फ असम के केस में, सिर्फ असम के केस में गवर्नर डिसाइड करेगा और बाकी तीनों के केस में प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ठीक है। बाकी तीनों के केस में प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। भैया बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। मुझे कई साल लगे से समझने में और अभी भी मैं ढंग से नहीं समझ पाया उसे, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रेसिडेंट जो था, चार जो यूनियन टेरिटरी थी उसने डिसाइड कर रहा कि पार्लियामेंट के लॉ कैसे लगेंगे। फिफ्थ शेड्यूल में जो शेड्यूल एरियाज थे उसके लिए गवर्नर डिसाइड कर रहा है, और सिक्स शेड्यूल में जो चार, इसमें जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में इन चार स्टेट्स में जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें असम में तो गवर्नर डिसाइड कर रहा है, बाकी तीन में प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। ये थी बात टेरिटोरियल एक्सटेंट की, कि भैया कौन सा लॉ कैसे कहां कहां लागू होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात कह दी, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। अब चलते हैं दूसरी चीज की ओर, ठीक है, अब चलते हैं दूसरी चीज की ओर। और दूसरी चीज क्या है हमारी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि तीन लिस्ट होती हैं। तीन लिस्ट कौन कौन सी होती है भैया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट, तीन लिस्ट होती है। अच्छा, कौन से शेड्यूल में होती है ये बता दो जल्दी से, हैं जल्दी से बताओ कौन से लिस्ट में, कौन से शेड्यूल में है लिस्ट दी हुई, हैं नहीं नहीं सेवन शेड्यूल में, सेवन शेड्यूल, ठीक है। फिफ्थ सिक्स पढ़ लिया, सेवन शेड्यूल में जो है तीन लिस्ट दी गई है, और यही लिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा, यही डिवाइड करती हैं कि कौन कैसे लॉ बनाएगा, ठीक है। तो कौन कैसे लॉ बनाएगा, तो ये भी डिसाइड हो गया। तो यूनियन लिस्ट में जो भी, अच्छा पहले ये देख लेते हैं कितने कितने हैं, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में ना पहले 97 सब्जेक्ट्स थे, अब 98 है, पहले 97 सब्जेक्ट्स थे अब 98 है, एक बड़ा है, ठीक है। दोनों में यूनियन और कंकरेंट में बड़े हैं, स्टेट में कम हुए हैं, याद रखिएगा, यूनियन एंड कंकरेंट में बड़े हैं, स्टेट में कम हुए हैं, 97 से 98। और यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस पे जो राइट है लॉ बनाने का, एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव लॉ बनाने का राइट किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है या सेंटर के पास है, केंद्र के पास है, ठीक है। इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट इन्यूमिनेटेड है उसमें कौन लॉ बनाएगा, उसमें लॉ बनाएगा यूनियन। और इसमें पता है क्या सब्जेक्ट्स हैं, जहां की यूनिफॉर्मिटी चाहिए हमें,
पूरे देश में हमें जहां यूनिफॉर्मिटी चाहिए कि इन लॉज में यूनिफॉर्मिटी होती है डिफेंस में, और जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं वो सब यहां डाल दिए गए। जहां हमें कोलैबोरेशन चाहिए यूनियन स्टेट का वो यहां डाल दिए गए हैं कंकरेंट में, और जहां लगता है कि स्टेट का प्रेरोगेटिव है एग्रीकल्चर, ठीक है, पंचायती राज स्टेट, वो सब स्टेट लिस्ट में डाल दिए गए। ठीक है, अब इसमें कैसे आते हैं, देखो मैं आपको पढ़के सुनाता हूं। डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स, सेंसस, ऑडिट, ये सब कहां मिलेंगे आपको, यूनियन लिस्ट में। तो शुरुआत में कितने थे, 97, बाद में कितने हो गए, 98। ठीक है, अब वहां चलते हैं स्टेट की तरफ। स्टेट में शुरुआत में 66 थे, बाद में 59 हो गए। जब स्टेट लिस्ट बनी थी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत में, तो इसमें 66 थे, बाद में इसमें 59 सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, और ऐसे ही और इसका इसमें जो लॉ बनाने की पावर है वो स्टेट के पास है, इसमें जो लॉ बनाने की पावर है वो एक्सक्लूसिवली स्टेट के पास है। इसमें कैसे आ जाएंगे, हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजंस, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, थिएटर्स, गैम्बलिंग, ये सब किस में आ जाएंगे, स्टेट लिस्ट में। और इसमें कितने थे शुरुआत में, 47, अब कितने हो गए, 52। इसमें जो लॉ बनाने की पावर है वो दोनों के पास है, सेंटर प्लस स्टेट दोनों के पास पावर है। इसमें सेंटर प्लस स्टेट दोनों के पास पावर है कि दोनों लॉ बना सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट में कौन लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट या सेंटर। स्टेट में कौन बनाएगा, स्टेट। और कंकरेंट में कौन, किसके पावर है, सेंटर एंड स्टेट के पास पावर है। ठीक है, और ये जो बड़े हैं ना 47 से 52, इसमें से जो पांच जो बड़े हैं वो पांच बड़े थे, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े गए थे, ठीक है, और ये स्टेट लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाले गए थे। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। अब एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है, कि ठीक है, दुनिया के सन के अंदर एन नंबर ऑफ थिंग्स है। अब ऐसा तो है नहीं कि मान 97 ही सब्जेक्ट होंगे, 52 होंगे, कोई नया सब्जेक्ट आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। उसको क्या बोलते हैं, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स पे जो लॉ बनाने की पावर है वो इंडिया में पार्लियामेंट के पास है, वो इंडिया में पार्लियामेंट के पास है। ये याद रखिएगा कि जो सब्जेक्ट कहीं भी इन्यूमिरेटेड नहीं है उसकी पावर किस कहां है, उसकी पावर पार्लियामेंट के पास है। और ये प्रेसिडेंट हमने लिया है कनाडा में, ऐसा कनाडा में होता है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रेसिडेंट हमने लिया है कि जो रेजिड्यूरी पावर की जो पे जो लॉ बनाने की पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। यूएसए में क्या होता है, यूएसए में सिर्फ एक ही लिस्ट है, सेंटर की लिस्ट। ठीक है, और जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उस पे जो है लॉ, जो है स्टेट लॉ बनाने की पावर जो स्टेट के पास है। तो यूएसए में एक ही लिस्ट है, सेंट्रल वाली लिस्ट कर दी, उसको छोड़ के बाद बाकी स्टेट के पास पावर है, और वो तो स्ट्रिक्टली फेडरल वो है इसलिए है। ठीक है, अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, इसी में एक दिक्कत बाद में आ गई जब 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया आपका। भाई 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, वेरी गुड, यस, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में देखो तीन चीजें थी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड आईजीएसटी। अब इसमें भी लॉ बनाने की पावर जो है टेरिटोरियली ही डिवाइडेड है। ठीक है, जीएसटी में क्या है कि स्टेट जो है जीएसटी लगा सकता है अपने क्षेत्र के अंदर, सेंटर जो है सेंट्रल के ऊपर लगा सकता है। जो पता करने वाली बात है, जो आईजीएसटी लगता है, जो इंटरस्टेट रेट पे लगता है भाई, उस पर अगर कोई कानून बनना है तो वो कानून पार्लियामेंट बनाएगी। इंटरस्टेट रेट पे अगर कोई भी कानून बनना है तो उसका जो प्रेरोगेटिव है वो पार्लियामेंट के पास लाई करता है जीएसटी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि किसके पास है, जीएसटी के पास है। ठीक है, तो ये थी क्या आपकी तीन लिस्ट। ठीक है, ये थी आपकी तीन लिस्ट। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है कि मान लिया कि कंकरेंट लिस्ट में
भाई दोनों के पास पावर है, मान लिया कंकरेंट लिस्ट एजुकेशन ले लेते हैं। एजुकेशन में एक लॉ सेंटर ने बना दिया, एक लॉ स्टेट ने बना दिया, और ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ गए तो क्या होगा कि एक कॉमन सब्जेक्ट था, कंकरेंट लिस्ट है, दोनों के पास पावर है लॉ बनाने की, कि सेंटर के पास भी पावर है स्टेट के पास भी पावर है, तो सोचो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे में जो लॉ सेंटर ने बनाया है वो प्रिवेल होगा, सेंट्रल लॉ प्रिवेल होगा। ठीक है, इसीलिए इंडिया को क्वाजी फेडरल भी बोला जाता है। थोड़ी सी बहुत जगहों पर सेंटर को पावर ज्यादा है, अगर स्टेट और सेंटर आपस में सेम सब्जेक्ट पे लॉ बना देते हैं तो जो है सेंटर का लॉ प्रिवेल होगा, स्टेट का लॉ प्रिवेल नहीं होगा। ठीक है, अब कहीं जगह ओवरलैपिंग हो जाती है कि ओवरलैप हो गए स्टेट, मतलब अब क्या होता है कई बार ना किसी लॉ को डिफाइन करने में मुश्किल हो जाता है, ये किसी से रिलेटेड है तो ओवरलैपिंग होगी, तो वहां पे भी जो है सेंट्रल का लॉ प्रिवेल होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जहां पे भी सेंट्रल स्टेट लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होगी सेंट्रल का लॉ प्रिवेल होगा। तो ये थी बात किसकी, ये थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, कैसे कैसे लॉ मेकिंग किसके सब्जेक्ट पे बनाई जा सकती है। अब तीसरा चलते हैं कहां, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे हमारे पास लगभग 5 इंस्टेंसेस हैं जहां पे कि सेंटर के पास पावर है कि वो स्टेट की लिस्ट पे या स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, तो देखते हैं कि वो 5 इंस्टेंसेस कौन से हैं, वो 5 इंस्टेंसेस कौन से हैं। ठीक है, तो पहला इंस्टेंस है कि अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी कैसी, 2/3 मेजोरिटी मतलब 2/3 मेजोरिटी यहां पे प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 of the people प्रेजेंट एंड वोटिंग, उस दिन जितने भी लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से अगर 2/3 एक रेजोल्यूशन पास कर दें कि आप स्टेट की पार्लियामेंट के पास पावर है कि आप स्टेट के इस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हैं, तो पार्लियामेंट उस स्टेट पे लॉ बना देगा, पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी स्टेट लिस्ट के उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की। ठीक है, उस स्टेट पे लॉ बनाने की, कि क्या इसका मतलब यह है कि स्टेट ने अपनी पावर खो दी उस सब्जेक्ट पे अपना लॉ बनाने की, नहीं, स्टेट की जो पावर है वो रहेगी, बट अगर सेंटर के और स्टेट के लॉ में कोई इनकंसिस्टेंसी हुई, सेंटर और स्टेट के लॉ में कुछ इनकंसिस्टेंसी हुई तो सेंटर वाला लॉ प्रिवेल करेगा, सेंटर वाला लॉ प्रिवेल करेगा, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो क्या बोला कि अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दे कि स्टेट के इस सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर है, तो जो है पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है और स्टेट की पावर भी इंटैक्ट रहती है, बट खुदा ना खास्ता अगर सेंट्रल लॉ स्टेट लॉ के बीच में कुछ पंगा हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है, सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है। अब सेकंड क्या है, सेकंड सिनेरियो क्या है, सेकंड सिनेरियो है हमारे पास ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है उस स्टेट में, तब भी जो है पार्लियामेंट के पास पावर है कि स्टेट की लिस्ट में वो लॉ बनाया बना सकता है। ठीक है, बना सकता है, और ऐसे लॉ कब तक रहेंगे, 6 महीने तक वैलिड रहते हैं, 6 मंथ्स होती है उनकी वैलिडिटी। ठीक है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी हट गई तब जो है 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली जो लॉ बनाए थे पार्लियामेंट ने वो हट जाएंगे। ठीक है, लॉज बिकम इनऑपरेटिव। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट के पास भी पावर है कि वो लॉ बना सकता है, फिर बट फिर वही कहानी, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गए तो सेंट्रल का लॉ प्रिवेल होगा। तो
नेशनल इमरजेंसी में क्या होगा, पार्लियामेंट के पास पावर है, लॉ बना सकता है जब तक नेशनल इमरजेंसी है। जिस दिन नेशनल इमरजेंसी हटी, वो जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाए थे उनकी जो अवधि है वो 6 महीने। अगर मान लिया स्टेट एक लेजिस्लेशन पास करता है कि ये लॉ रहेगा, तब अलग बात है, लेकिन उसकी जो अवधि है वो 6 महीने है, उसके बाद वो लॉ इनऑपरेटिव हो जाएगा। और स्टेट की जो पावर है लॉ बनाने की वो भी इंटैक्ट रहेगी। बट फिर वही बात कि अगर स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो जो है सेंट्रल वाला लॉ प्रिवेल करेगा। ये थी सेकेंड सिचुएशन, जब जो है पार्लियामेंट के पास पावर है स्टेट पे लॉ बनाने की। तीसरी जो है वो है कि जब स्टेट खुद रिक्वेस्ट कर दे, जब खुद स्टेट खुद रिक्वेस्ट कर दे, तो टू और मोर स्टेट्स, सिंगल स्टेट रिक्वेस्ट नहीं कर सकता भाई, ये याद रखिएगा, सिंगल स्टेट कभी भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, ये याद रखिएगा, लिखा हुआ है ये बात, सिंगल स्टेट नहीं याद रखिएगा, दो या दो से अधिक स्टेट, ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास कर दें कि भाई पार्लियामेंट भैया आप आइए और हमारे इस सब्जेक्ट पे, मान लिया कोई ए सब्जेक्ट है, इस पे लॉ बनाइए, इस पे लॉ बनाइए, तो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी कि वो इस पे लॉ बना सकता है, ठीक है, वो इस पे लॉ बना सकता है। बट जब स्टेट ऐसा करेगा तो इस केस में स्टेट की पावर चली जाएगी, जो स्टेट के पास पावर है उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की, स्टेट जो है एक प्रकार से सरेंडर कर देगा कि हमने जो है ये आज से ये जो ए सब्जेक्ट है ये आपका है, पार्लियामेंट का है, आप ही इस पे लॉ बनाएंगे। स्टेट जब एज अ रेजोल्यूशन पास कर देगा, टू और मोर स्टेट्स जब एज अ रेजोल्यूशन पास कर देंगे, तो ये पावर इसके पास आ जाएगी, ये पावर आ जाएगी पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट ही उस लॉ को, जब वो लॉ बन जाएगा, पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि उसे अमेंड करे, उसे हटा दे, उसके साथ जो मर्जी करे, पर स्टेट कुछ नहीं कर सकता। स्टेट ने अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की पावर गवा दी है, ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा स्टेट ऐसा करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, तो इसको अप्लाई करने के लिए या अप्लाई करने के लिए भी सरकार जो है स्टेट के लिस्ट पे लॉ बना सकती है और वो स्टेट पे बाइंडिंग है, याद रखिएगा। मान लिया हम लोगों ने ट्रिप्स, जैसे जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, उसको साइन करके आ गए हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे या जो भी मैं जब से डेलीगेट गया, अब हमारे ऊपर फाउंडेशन बन गई कि हम जो है अपने डोमेस्टिक जो आईपीआर लॉज हैं उनको स्ट्रेंथन करें। अब उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हो सकता है कि कहीं वो जो सब्जेक्ट हो वो स्टेट की लिस्ट में हो, तो क्योंकि वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और हम उसे साइन करके आए हैं और हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें स्टेट अपनी कंट्री में उसको अप्लाई करना है, तो तब भी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट की लिस्ट में जो है बना सकता है, क्या बना सकता है, लॉ बना सकता है, ठीक है। और जो लास्ट रूल है, जो लास्ट है वो है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, आर्टिकल, नेशनल इमरजेंसी थी और आर्टिकल 356 या 365 के अंदर अगर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हो तो भी जो है पार्लियामेंट के पास पावर है कि उस स्टेट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, पर इस केस में लॉ जो है इनऑपरेटिव नहीं होगा, इनऑपरेटिव नहीं होगा खुद ब खुद, उसको इनऑपरेटिव करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को एक लॉ पास करना पड़ेगा कि ये जो लॉ जब प्रेसिडेंट रूल था बनाया गया था और इसकी अब कोई वैधता नहीं है, तो लॉ ऑटोमेटिकली इनऑपरेटिव नहीं होता, बट उसको इनऑपरेटिव करना पड़ता है स्टेट के द्वारा। तो ये थे 5 सिनेरियो, कौन से, जबकि पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी स्टेट की लिस्ट पे लेजिस्लेट करने की, ठीक है। ये तो कौन सी बात थी, ये बात थी जब सेंटर के पास पावर आ गई या पार्लियामेंट के पास पावर आ गई, स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उस पर लॉ बनाने की, ठीक है। अब जो चौथा है और लास्ट जो है लेजिस्लेटिव रिलेशन में, वो है सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट, सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट। सेंटर का कुछ कुछ कंट्रोल है, देख लेते हैं क्या क्या कंट्रोल है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि गवर्नर के पास पावर है कि वो कोई भी बिल प्रेसिडेंट की एक्सेंट के लिए रिजर्व कर सकता है, ये गवर्नर का एक
प्रेरोगेटिव है, डिस्क्रिशनरी है। गवर्नर कौन बिठाता है? सेंटर। तो किसका पावर आ गया? सेंटर का। ठीक है, किसका पावर आ गया? सेंटर का। तो गवर्नर के पास पावर है कि वो कोई भी बिल रिजर्व करवा सकता है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए। ठीक है, और उस बिल को प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो भी है, वो मना कर दे तो खारिज कर दे कि जो है इसको हम, या तो उसको खारिज कर दिया जाए। खारिज कैसे होगा कि इस पे हम लॉ बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, इस पे इसको हम लॉ बनने ही नहीं देंगे, प्रेसिडेंट ये कह दे, प्रेसिडेंट उसको पास कर दे। ठीक है, या प्रेसिडेंट रख के रखे, प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ऐसा कोई लॉ जो कि रिजर्व किया गया था गवर्नर के द्वारा और प्रेसिडेंट ने उसको पास किया, और ऐसा कोई लॉ पार्लियामेंट के लॉ में से कॉन्फ्लिक्ट में आ गया, तो अभी केस वन में कि अभी वो लॉ पास हुआ है, एक लॉ सेंटर का बना हुआ था, गवर्नर ने रिजर्व किया, उसको प्रेसिडेंट के एक्शन के लिए भेजा, प्रेसिडेंट ने उसको एक्शन दे दिया। अभी जो सेंटर का लॉ था वो, ये वाला जो लॉ है सेंटर के लॉ से कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, अभी ये लॉ प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर पार्लियामेंट दोबारा कोई लॉ बना दे तब वो फिर पार्लियामेंट का लॉ दोबारा प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी कोई लॉ है और प्रेसिडेंट का एक्सटेंट जो स्टेट लॉ था उसको प्रेसिडेंट की एक्सटेंट मिली है और वो कॉन्फ्लिक्ट में सेंटर के लॉ से, तो फिलहाल के लिए तो वो प्रिवेल करेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता बाद में अगर सेंटर दोबारा एक लॉ बना दे तो क्या हो सकता है, जो है सेंटर का लॉ दोबारा प्रिवेल करेगा। ठीक है, केस वन तो ये है कि गवर्नर जो है रिजर्व कर सकता है बिल्स को, ठीक है, फॉर द एक्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड है बिल्स ऑन सर्टेन मैटर्स इन्यूमरेटेड इन दिस स्टेट लिस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द प्रायर एक्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कुछ भाई स्टेट का प्रेरोगेटिव है, लेकिन कुछ एक दो, जैसे इंटर स्टेट ट्रेड से कोई स्टेट के पास कोई पावर है लॉ बनाने की, लेकिन वो जो लॉ है वो इंटर स्टेट ट्रेड को इफेक्ट कर रहा है, तो ऐसे लॉ जो है वो प्रेसिडेंट की अनुमति से ही इंट्रोड्यूस किए जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, तो प्रायर कुछ केस में, प्रायर कुछ बिल्स में आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ या प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए। ठीक है, और सेकंड क्या है, थर्ड है कि अगर मान लिया फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, 300 आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, तो सेंटर जो है स्टेट के गवर्नर को डायरेक्ट कर सकता है कि आप जो है इन बिल को रिजर्व करिए फॉर द कैरेंस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, वैसे पैसा नहीं है, स्टेट कुछ भी पैसा खर्च किया जा रहा है, तो इस केस में भी जो है पार्लियामेंट के पास पावर है या कि वो कह सकता है गवर्नर को कि आप प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो अब सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ रहे हैं हम, इससे इलेक्शन पढ़ेंगे। बहुत सारी कमिटीज ने बहुत सारी बातें भी कही। ठीक है, तो वो एक अलग बात है। अब वो थी बात लेजिस्लेटिव रिलेशंस। ठीक है, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग, जहां पे लॉ बनाते हैं। लॉ तो रोज नहीं बनते, रोज तो सेशन में नहीं रहता, रोज हाउस भी नहीं लगते। अब रोज उसके अलावा क्या है, जो रोजमर्रा जो डे टू डे चीजें हैं स्टेट को चलाने की, सेंट्रल चलाने का, उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, एंड दे आर डेल्ट अंडर आर्टिकल 256 टू 263 अंडर द पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसे ही एग्जीक्यूटिव पावर्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो क्योंकि भाई जो मान लिया, अगर एक तो होगा लॉ बन गया, अगर कोई नोटिफिकेशन आ गई, कोई नॉर्मल डे टू डे के लिए कोई जो है ऑर्डर आ गया, तो वो भी तो उनकी भी तो लॉ की ही पावर होती है। तो जो एग्जीक्यूटिव है, जो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही है,
इंडिया में, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर डिवाइडेड थी वैसे ही एग्जीक्यूटिव पावर भी डिवाइडेड है, कि भैया जो यूनियन लिस्ट में था उसके एग्जीक्यूटिव डिसीजन यूनियन लेगा, जो स्टेट लिस्ट में था उसके एग्जीक्यूटिव डिसीजन स्टेट लेगा, जो कॉन्करेंट लिस्ट में था उसके एग्जीक्यूटिव डिसीजन दोनों लेंगे, ठीक है, उसके एग्जीक्यूटिव डिसीजन दोनों रहेंगे, ठीक है। अब इसमें दो चार कॉम्प्लिकेशन है, इसमें दो चार लेजिस्लेशन में तो जो है उठा के एक दूसरे को हम लेजिस्लेटिव पावर नहीं दे रहे, बट एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो एक दूसरे को दी जा सकती है। ये बड़ा क्लासिक चीज है, ये बड़ी क्लासिक चीज है, ठीक है। अब स्टेट को यहां पे भी थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया है, स्टेट को क्या डाइल्यूट किया गया कि एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट लिस्ट पे है उसमें प्रेरोगेटिव तो स्टेट का है एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने का, लेकिन खुदा ना खास्ता पार्लियामेंट कोई लॉ बना देता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होता है इन पर्टिकुलर टू डेथ इफेक्ट, कि भैया इस पे जो है यूनियन ही लॉ बनाएगा या यूनियन ही एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेगा, जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, उस पर स्टेट कैसे एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले लेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, स्टेट तो वैसे भी डिफेंस तो वैसे भी जो है यूनियन लिस्ट में, मान लिया कोई सब्जेक्ट ले लिया हमने स्टेट लिस्ट का, ठीक है, अब ऐसे कुछ मिल नहीं रहा है और उस पे जो है लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना देगी इसके एग्जीक्यूटिव डिसीजन भी हम ही लेंगे, तो जो है तब पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी, तब पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी, ठीक है। तो मिनट का रेस्ट ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं। ठीक है, ये थी एक चीज। अब दूसरी चीज क्या है कि देख लेते हैं कि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है हैज टू बी कंडक्टेड इन सच अ वे सो हैज टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज, ठीक है। जो स्टेट की आप इसमें दो चीजें डाल दी गई, ठीक है, इसमें दो चीजें डाल दी गई, ठीक है, और ये ऑब्लिगेशन है स्टेट एंड सेंटर की, ठीक है, ये स्टेट एंड सेंटर की ऑब्लिगेशन भी है कि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है जब आप उसको एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, स्टेट जो है अपने एग्जीक्यूटिव पावर को जब भी एक्सरसाइज करेगा तो वो ऐसे एक्सरसाइज करेगा कि जो भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है उससे कंप्लाई करे। ऐसे नहीं कि आपने जबरदस्ती मजाक मजाक में, आपको पता है कि पार्लियामेंट ने एक लॉ बना रखा है और आपने मजाक मजाक में उसके अपोजिट एक लॉ बना दिया, ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आप जो है सेंटर की जो पावर है लॉ मेकिंग की, आप उसको प्रिजाइज नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं कि उसको एक कॉन्सेप्ट होता है कलरफुल लेजिस्लेशन का वो कभी पढ़ेंगे, ठीक है, आपने ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के सेंटर की जो पावर है लॉ मेकिंग की एग्जीक्यूटिव उसको अंडरमाइन कर दिया, तो आप ऐसा भी नहीं करेंगे, तभी आप अपनी स्टेट के, तो ये डायरेक्शन है किसको, स्टेट को, ठीक है, ये डायरेक्शन किसको है, स्टेट को है, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आर्टिकल 365 भी है फिर एक, ठीक है, आर्टिकल 365 भी है कि आपको जो है अगर आप कोई डायरेक्शन दिया सेंटर ने और आपने कंप्लाई नहीं किया तो प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे वहां, और वो वाला प्रेसिडेंट रूल कौन सा आर्टिकल के अंदर लगता है, लगता है वो 356 में ही है, लेकिन उसका जो बेसिस होता है वो 365 में मिलेगा आपको कि आपने कंप्लाई नहीं किया ऑर्डर से, ठीक है, आपने कंप्लाई नहीं किया ऑर्डर से, ओके। तो वो थी ऑब्लिगेशन, देखो ये जो है उल्टा हो गया, ठीक है। नाउ दीज आर दी सेंटर्ड, आप इसको छोड़ दीजिए, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड सेंटर मैंने आपको पढ़ा दिया, जो हमने दो चीजें पढ़ी है, स्लाइड ऊपर नीचे हो गई एक्चुअली। जो ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर है वो ये दोनों है कि स्टेट जो है अपने एग्जीक्यूटिव पावर कैसे इस्तेमाल करेंगे कि वो सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर को अंडरमाइन नहीं करेगी और प्रिजाइज नहीं करेगी। अगर आप ऐसा करते हैं, सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया आपको और अगर आपने नहीं माना तो आर्टिकल 365 के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा, ठीक है। ये थी दो चीजें। तीसरी जो चीज है इसके अंदर वो है सेंट्रल डायरेक्शन टू द स्टेट, ठीक है, दिस इज सेंट्रल डायरेक्शन टू द स्टेट कि सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है इन केसेस के लिए कि आप जो है ये काम कर लीजिए या अपने एग्जीक्यूटिव पावर को ऐसे इस्तेमाल कर लीजिए। जल्दी देख लेते हैं कौन कौन से केसेस हैं भाई। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और मिलिट्री इंपॉर्टेंस बाय द स्टेट, इसे आप प्रोटेक्ट करो। इसमें यहां अब पुलिस कहां लगेगी, कहां लगेगी, वो स्टेट का प्रेरोगेटिव है,
कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन आने वाली है या कि डीआरडीओ कोई सेंटर बनना है, हो सकता है कि सरकार को जो है टेम्पररी वहां पुलिस वाले भेजने पड़े, तो पावर तो किसके पास, स्टेट के पास। लेकिन क्योंकि वो नेशनल इंपॉर्टेंस का एक इंस्टीट्यूशन है, उसको सेफगार्ड करना नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत जरूरी है, तो सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्शन देगा कि आप अपनी पुलिस वहां भेजिए और उसको उसकी सुरक्षा करवाइए। ठीक है, ऐसी चीजें हैं। मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवे विद इन द स्टेट। भाई रेलवे क्या है, तो नेशनल प्रॉपर्टी है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आती है, लेकिन उसकी पटरियां कहां से जा रही है, उसकी पटरियां तो स्टेट से जा रही है ना, पता लगता कोई खोल के ले गया पटरी बीच में से। ठीक है, तो उसका सेफगार्ड करेंगे। ठीक है, फिर तीसरा क्या है कि प्रोविजन ऑफ एडुकेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शंस इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप में आप जो है उनकी मदर टंग में उनको पढ़ाई करने के लिए जो है प्रोत्साहन दीजिए, उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, ऐसा सेंटर जो स्टेट को कह सकता है। ठीक है, एंड द ड्रॉइंग अप एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द स्पेसिफाइड स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट। ठीक है, तो जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके वेलफेयर के लिए आप ऐसा ऐसा करिए, ऐसा डायरेक्शन भी सेंटर स्टेट को दे सकता है। ठीक है, और जो लास्ट है इसमें या अभी तो लास्ट क्या, जो डेलीगेशन को लेकर है वो है म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। देखो म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान समझना कि लेजिस्लेटिव डेलीगेशन तो नहीं हो सकता कि एक दूसरे को हमें लॉ मेकिंग पावर दे दी। वहां पर हमने देखा कि पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर थी कि भैया राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे, प्रेसिडेंट रूल लग जाए, नेशनल इमरजेंसी लग जाए, इंटरनेशनल कन्वेंशन को इफेक्ट देने के लिए, या टू और मोर स्टेट्स कर दे, तब जो है पावर जो है वहां पे चले जा रही थी पार्लियामेंट के। लेकिन हमने एक भी केस नहीं देखा जहां पार्लियामेंट की पावर स्टेट के पास आ जा रही थी। ठीक है, बट एग्जीक्यूटिव एक्शंस में, या आप कहें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं उसमें जो है अगर उसमें ऐसा करना है तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, एक दूसरे को पावर दी जा सकती है, एक दूसरे को पावर दी जा सकती है। ठीक है, एक दूसरे को पावर दी जा सकती है, लेकिन जिसे दी जा रही है ना उसका कंसेंट जरूरी है, जिसे दी जा रही है उसका कंसेंट जरूरी है, जिसे दी जा रही है उसका कंसेंट जरूरी है। मान लिया अगर सेंटर की पावर स्टेट को दी जा रही है तो स्टेट का कंसेंट जरूरी है, अगर स्टेट की पावर सेंटर को दी जा रही है तो स्टेट का जरूरी है। ठीक है, लेकिन लेजिस्लेटिव में सेंटर और स्टेट जो है डेलीगेशन जो है लेजिस्लेटिव फंक्शंस का डेलीगेशन पॉसिबल नहीं है इंडिया में, बट एग्जीक्यूटिव का है। ठीक है, अब पहले बात करें सेंटर की, बात कर लेते हैं। अगर सेंटर का कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन है तो उसको देगा कौन, उसको देगा प्रेसिडेंट। किसको देगा भाई, स्टेट को देगा, और मर्जी भी किसकी चलेगी, स्टेट की चाहिए तो कंसेंट ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंट ऑन द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कैन डेलीगेट अ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फंक्शन टू द स्टेट। समझ गए बात को भाई, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट जो है पहले स्टेट की परमिशन लेगा कि भैया आप ऐसा करो कि सेंटर का ये जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है आप इस पे जो है डेलीगेट करो, या इस पे आप इस डिसीजन करो। ऐसे ही स्टेट के केस में गवर्नर लेगा। ठीक है, स्टेट के केस में गवर्नर लेगा, किसी कंसेंट चाहिए होगी फिर सेंटर की, किसी कंसेंट चाहिए होगी सेंटर की, और स्टेट का जो फंक्शन है वो डेलीगेट कर देगा। भाई स्टेट का बॉस कौन, गवर्नर, और परमिशन किसकी लेगा, सेंटर की, और वो कह देगा कि आप जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आप जो है ये एग्जीक्यूटिव एक्शन ले हमारा। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन ले। अब ये कंडीशनल भी हो सकता है और नॉन कंडीशनल भी हो सकता है, ये जो कि ऐसा होने पे भाई विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं, आप लो मगर ऐसा ऐसा कर लेना, तो ये कंडीशनल हो गया। ठीक है, और क्या है, अब इसी में एक चीज आपने देखी थी कि सेंटर के पास पावर थी स्टेट के का लॉ, स्टेट के सब्जेक्ट में लॉ बनाने की, लॉ बनाने की। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन की, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन की। फर्क इतना है कि इस केस में भी एग्जीक्यूटिव एक्शन पे जो है सेंटर जबरदस्ती थोप सकता है स्टेट पे, जबरदस्ती थोप देगा कि ये तुम हमारे बिहाफ पे ये एग्जीक्यूटिव एक्शन तुम लो ही लो,
बट वो जो डेलीगेशन होगा वो प्रेसिडेंट नहीं करेंगे, वो डेलीगेशन पार्लियामेंट करेगा, वो पावर जो है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट बोलेगा कि आप जो है इसको करो ही करो, आपकी कंसेंट की हमें जरूरत नहीं है, आप ये हमारे बिहाफ पे इस एग्जीक्यूटिव एक्शन को लो ही लो, ठीक है, आप इस एग्जीक्यूटिव एक्शन को लो ही लो। तो ये है बात किसकी, म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस की, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। तो देखो चीजें जो है कोऑपरेशन से ही चल लेते हैं, चलती हैं, तो कुछ है नहीं, जल्दी से पढ़ लेते हैं कि कहीं कहीं पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो पार्लियामेंट जो है अगर कोई डिस्प्यूट हो गया किसी भी दो स्टेट के बीच में तो उसको वो एडजुडिकेट कैसे होगा, उसके एडजुडिकेशन के लिए जो है क्या क्या करना है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। कोई भी रिवर इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो गया, इंटर रिवर डिस्प्यूट हो गया, वो सब प्रेरोगेटिव किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। एंड तो इसमें क्या है, अभी ये देख लीजिएगा आप कि यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट बनाएगा उसे, पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैलीज। तो उस रिवर का कैसे यूज होगा, कौन किसको कितना पानी मिलेगा, उसकी उस पे लॉ बनाने की पावर किसे है, पार्लियामेंट को, ठीक है। देन प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश एन इंटरस्टेट काउंसिल। भाई इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल के अंदर है भैया, आर्टिकल 263 याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरस्टेट काउंसिल आप कौन से आर्टिकल के अंदर बनाते हैं, आर्टिकल 263 के अंदर। तो क्या बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश एन इंटरस्टेट काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। थर्ड क्या है, फुल फेथ एंड क्रेडिट टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंटर एंड एवरी स्टेट। ये भाई आपस में म्यूचुअली बात चल रही है स्टेट की, सम्मान करना है एक दूसरे का, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की बात है, ठीक है। और लास्ट क्या है, पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटिंग टू द इंटरस्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ऐसी कोई अभी तक बनाई नहीं गई है, ऐसी कोई बॉडी अभी तक बनाई नहीं गई है। तो यह है बात किसकी, कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स की, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन में। तो अगला है आपको ऑल इंडिया सर्विसेज। भाई ऑल इंडिया सर्विसेज आपने सुना होगा, इसके लिए आप सब लोग पढ़ाई करते ही हैं, ठीक है। तो तीन ही ऑल इंडिया सर्विस है अभी, IAS, IPS एंड IFS। ये IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक है, इसको IFS भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। फॉरेस्ट सर्विस जो है, ये तीन ही ऑल इंडिया सर्विस है, इसी में आपको कैडर एलोकेशन होती है, और किसी सर्विस में आपको कैडर एलोकेट नहीं होता, जोन एलोकेट हो सकता है, ये सब एलोकेट हो सकता है, लेकिन कैडर आपको इन तीन ही सर्विसेज में मिलेगा, ठीक है। ये जो था ये 1947 तक जो था ना, ये 1947 तक IAS जो था ICS था, इंडियन सिविल सर्विस, और ये IPS जो था इंडियन पुलिस था 1947 तक, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तो आपकी 1966 में बनाई गई थी, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की गई थी वो जो है 1966 में बनाई गई थी। और ऑल इंडिया सर्विस बनती कैसे, राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करता है, राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि ऑल इंडिया सर्विस बनाई जानी है, तो ऑल इंडिया सर्विस बन सकती है। ऑल इंडिया सर्विस जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन की क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको जो है एक प्रकार से जो है फेडरल फीचर का अगेंस्ट भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो है सेंट्रल स्टेट दोनों कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसको रिक्रूटमेंट तो कौन कर रहा है, रिक्रूटमेंट तो आपका UPSC कर रहा है इन तीनों सर्विसेज की, और वो काम कहाँ कर रहे हैं, स्टेट में कर रहे हैं, कैडर स्टेट का है, फिर सेंटर डेपुटेशन भी जाते हैं, कई बार लड़ाई भी होती है, जैसे वेस्ट बंगाल और सेंट्रल वाला आपने मुद्दा देखा होगा, ठीक है। बट देन ये माना जाता है कि जो एक्सपर्टीज है, क्योंकि बहुत ब्रिलियंट बच्चे जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे जाते हैं इन सब में, ठीक है, वेरी क्रीम ऑफ द कंट्री जाती है इन सर्विसेज में, तो माना जाता है कि जो एक्सपर्टीज है उनकी वो आपको सेंटर पे भी मिल रही है, स्टेट पे भी मिल रही है, और दोनों जगह मिले, इसलिए ये ऑल इंडिया सर्विसेज बना दी हमने, ठीक है। जो जो एक्सपर्टीज है इन तीनों सर्विसेज की वो जो है दोनों मिले, तो इसीलिए जो है रिक्रूटमेंट सेंटर कर रहा है, कैडर स्टेट में है, लोग जो है सेंटर डेपुटेशन पे भी चले जाते हैं, तो ये है ऑल इंडिया सर्विसेज की बात, ठीक है। और इनको आप जो स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती है, लेकिन हटा नहीं सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आप आर्टिकल 311 या 312 में पढ़ेंगे तो कोई भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि जिस अथॉरिटी ने आपको अपॉइंट किया है उससे नीचे की अथॉरिटी आपको हटा नहीं सकती। और इन तीनों को अपॉइंट कौन करता है, इनफैक्ट सारे इन तीनों को अपॉइंट कौन करता है, इन तीनों को अपॉइंट करते हैं प्रेजिडेंट, इन तीनों को अपॉइंट करते हैं प्रेजिडेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अब भाई दो टाइप, दोनों टाइप की सर्विस हैं, ठीक है, स्टेट में भी सर्विस चाहिए, ठीक है, स्टेट में भी सर्विस, स्टेट सर्विसेज होती हैं,
ठीक है, बहुत सारे बच्चे स्टेट सर्विस जो उसमें पीसीएस भी बोलते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, एसडीएम, डिप्टी एसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब स्टेट की सर्विसेज होगी। ठीक है, सेंट्रल सर्विसेज, फिर उसके लिए जो होता है सेंट्रल यूपीएससी है आपका, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या आपका आईएएस, आईपीएस, ठीक है, आईएएस, इन सब का रिक्रूटमेंट ये करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, एसपीएससी। ठीक है, अब देखो एसपीएससी का जो चेयरमैन होता है ना, ये उसको नियुक्त तो गवर्नर करता है, उसको नियुक्त तो गवर्नर करता है, उसको अपॉइंट तो गवर्नर करता है, अगर उसको रिमूव, उसको रिमूव प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, उसको रिमूव प्रेसिडेंट करता है, उसको रिमूव प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, उसको रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ऐसे ही एक प्रोविजन होता है, अगर दो स्टेट जो है आपस में लिख के देते हैं कि भैया हमारे लिए जो है जेपीएससी बनाया जाए, जैसे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो बनता है, इसके जो मेंबर्स और चेयरमैन होता है, उसको अपॉइंटमेंट प्लस रिमूवल दोनों ही प्रेसिडेंट करता है, अपॉइंटमेंट प्लस रिमूवल दोनों ही प्रेसिडेंट करता है। तो ये बात याद रखिएगा, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट प्लस रिमूवल दोनों ही प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, और भी क्या है कि कई स्टेट जो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो इन सर्विसेज को जो है यूपीएससी को इंस्ट्रक्शन दे दे कि हमारे भी यहाँ पे इन सर्विसेज को या रिक्रूटमेंट कंडक्ट करा ले, तो वो भी यूपीएससी कर सकता है। ठीक है, ये है बात किसकी, पब्लिक सर्विस कमीशन की। अब नाउ द सेकंड लास्ट टॉपिक, थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो रहा है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। तो जुडिशियल सिस्टम इंडिया में कैसा है, नीचे है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स, उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ आपके पॉस्को कोर्ट्स, ठीक है, और आपका सीबीआई मान लो, अच्छा ठीक है, फैमिली कोर्ट्स, ये सब आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लेवल पे हो गए। हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट आप ट्राइब्यूनल्स को मान सकते हैं, लेकिन ट्राइब्यूनल की अपील भी जो है इन दोनों के बीच में कहीं आता है ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो ये एक हायरार्की है, लेकिन जो हायरार्की क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो ये इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होता है ये स्टेट करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है पैनल बनाया जाता है, कोलिजियम सिस्टम करता है। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, बहुत सारे कोलिजियम पे एक तो प्रॉपर हमारा डिस्कशन भी है। ठीक है, दोबारा पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी से क्या होता है कि क्योंकि इंटीग्रेटेड क्यों रखनी पड़ी, स्टेट की जुडिशियरी अलग क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है या बेसिक फीचर माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसको डाइल्यूट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। और इंटीग्रेटेड जुडिशियरी जो है कोऑर्डिनेशन भी दिखलाती है सेंट्रल और स्टेट का। ठीक है, और इंडिपेंडेंट भी रखती है इन्फ्लुएंस। ठीक है, नाउ रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो मैंने आपको बता दिया तीन टाइप की इमरजेंसी होती है। 352 में आपकी आ गई नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 356 में आ गया आपका प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल देखो वर्ड इस्तेमाल लिंक किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखना। ठीक है, और आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन तीनों ही टाइम पे सेंटर के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट की लिस्ट पे लॉ बना सकता है, स्टेट की लिस्ट पे लॉ बना सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद तो वो लॉज इनऑपरेटिव नहीं होते। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जब हट जाती है उसके बाद 6 महीने बाद वो लॉ जो होते हैं इनऑपरेटिव हो जाते हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान भी हमने आपको बताया कि सेंटर जो है स्टेट को जो है इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आप जो है ऐसे करो, अपने जो आपका फंड है उसको ऐसे इस्तेमाल करो आप इस, और गवर्नर को डायरेक्ट कर सकता है कि आप जो है ये सब बिल जो है जो जितने भी मनी बिल्स हैं आप रिजर्व करेंगे, जो बजट है वो रिजर्व करेंगे फॉर द रिव्यू ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये है बात किसकी, जब इमरजेंसीज हो। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ कुछ अलग अलग प्रोविजंस भी हैं, जैसे आर्टिकल 355 है तो वो दो ड्यूटीज देता है किसको, सेंटर को, कि टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये किसकी ड्यूटी है, अभी तक देखो ड्यूटी जो थी वो स्टेट की चलती थी, लेकिन आर्टिकल 355 एक ड्यूटी इम्पोज करता है सेंटर पे कि आप जो है प्रोटेक्ट करोगे स्टेट को, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, कोई अटैक कर दे किसी स्टेट पे तो आप ये नहीं कह सकते, मान लिया कल को चाइना अटैक कर दे किसी स्टेट पे या इधर से कोई और कंट्री अटैक कर दे किसी स्टेट पे, तो सेंटर ये नहीं कह सकता कि हम नहीं बचाएंगे आपको, तो आर्टिकल 355 में सेंटर की ड्यूटी है। सेकंड ड्यूटी क्या है कि
that the government of every state is carried in the accordance with the provisions of the constitution. वो भी constitutional provisions है, तो सेंटर की ड्यूटी है कि वो एंश्योर करे कि स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चल रही है. ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना प्रोविजन अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया उसके अकॉर्डिंग चला रहे हैं. तो ये दो ड्यूटी किसकी है? सेंटर की है. अगर ऐसा नहीं मान और स्टेट जो अगर कहना नहीं मानता तो प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं. ठीक है, और क्या है, गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, और प्रेसिडेंट आपको पता ही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो एक टाइप से आप ये समझ लीजिए कि सेंटर ही अपॉइंट करता है गवर्नर को. ठीक है, और गवर्नर क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है. ठीक है, ऐसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन उसको रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, जो कि हमने पब्लिक सर्विस कमीशन में भी देखा. ठीक है, एंड फिर और भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे नेशनल इंटीग्रिटी काउंसिल था, चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस है, ये सब होती रहती है ताकि जो है कोऑर्डिनेशन बना रहे किस किस के बीच में, सेंट्रल स्टेट के बीच में. तो जो लार्जर आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन का या किसी भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन का जो लार्जर आइडिया है सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेके, उन्होंने जो है हर संभव कोशिश की है कि जो जो सिचुएशन हो सकती थी उसको हम सॉल्व करें, उसको हम सॉर्ट आउट करें, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक करें, है ना, और जो है सामंजस्य बना रहे सेंट्रल स्टेट में. ठीक है, सेंट्रल स्टेट में जो है आपस में प्यार बना रहे, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो. इसीलिए जितना माइन्यूटली डिफाइन हो सकता था चीजों को लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस या लेजिस्लेटिव फंक्शंस को डिवाइड किया गया, और फाइनेंशियल फंक्शन हम और जो जितनी भी कमेटीज थी तो जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी वो हम बहुत बड़े में तो नहीं लेकिन संक्षिप्त में अगले लेक्चर में देख लेंगे. तो इस लेक्चर में इतना ही. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. एंड इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, फील फ्री टू आस्क. इफ यू मेक एनी मिस्टेक प्लीज पॉइंट इट आउट. एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. कीप स्माइलिंग.